हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के रियल एनालिसिस के जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे और जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हमारा जो रियल नंबर सिस्टम है उस चैप्टर का है। ये यहाँ पर हमें ये इनइक्वालिटी है ये प्रूव करनी है। क्या है देखिए, फर्स्ट है हमारी मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई। ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रायंगल और इनइक्वालिटी लिखिए, तो इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से आपको देकर भी आ सकता है। तो दोनों हम सेम प्रोसेस करेंगे। और नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, मॉडुलस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर मॉडुलस है फिर मॉडुलस के अंदर एक और बार मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस वाई, इसको भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव। कैसे होती है देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये जो हमारा है मॉडुलस एक्स प्लस वाई, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता है मॉडुलस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाली हम यूज़ कर रहे हैं, पहले हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। या आपने जो मॉडुलस वाली मैंने थ्योरम आपको पढ़ा रखी है, अगर आपने एब्सोल्यूट मॉडुलस नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो मॉडुलस एक्स का स्क्वायर होता है हम उसको एक्स स्क्वायर की तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बस वही हमने ये पूरा एक्स मान के इस तरीके से इसको लिख लिया है। अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो ये खुलेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस जगह पे, हमारे पास एक और थ्योरम होती है, एक और क्या होती है देखिए कि जो हमारा मॉडुलस एक्स वाई है वो हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल होता है किसके, एक्स वाई से। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ से इस एक्स वाई को इस तरीके से मोड में लिखूंगी तो हम कैसा साइन लगा देंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है एक्स स्क्वायर को हम मॉडुलस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो सेम हम इसको एक्स स्क्वायर को हम मॉडुलस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वायर को हम मॉड वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। और ये टू, ये हमने यहाँ पर इस तरीके की इनइक्वालिटी लगा दी आगे और इसको हम लिख देंगे, ये हमारा हो गया टू और यहाँ पर मॉडुलस एक्स वाई। ठीक है, एक और हमारे पास क्या थ्योरम होती है, यहीं पर साइड में आप इस तरीके से लिख देना, ये हमारी एक और थ्योरम होती है कि मॉडुलस एक्स वाई को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस एक्स और मॉडुलस वाई। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो सेम इसको हम किस तरीके से लिखेंगे देखिए, अब इक्वल का साइन आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस वाई स्क्वायर प्लस वही टू, और यहाँ पर मैंने क्या कहा है आपसे टू, इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे इस तरीके से, मॉडुलस एक्स मॉडुलस वाई, ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स और ये हो जाएगा मॉडुलस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर सेम, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बना है हमारा इस जगह पर, ये हमारा बन गया है यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मोड में है, प्लस टू मोड एक्स मोड वाई, ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए आप इस इनइक्वालिटी वाले साइन को हटाओ मत, क्योंकि जब हमने सिर्फ इसकी जगह ये इक्वल की जगह चेंज कर दिया है तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। और ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई का क्या हो जाएगा आपका, ये होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसकी देखिए मॉडुलस एक्स प्लस
वाई के होल स्क्वायर की, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। और जब हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा ये क्या प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ कौन सा पार्ट लेकर चलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है मॉडुलस एक्स भी हमारा क्या है, नन नेगेटिव है, मॉडुलस वाई भी हमारा नन नेगेटिव है, ये भी नन नेगेटिव है, तो इसीलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो मॉडुलस एक्स प्लस वाई स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई, ठीक है। आपको यही प्रूव करके लाना था, ये आपकी क्या हो गई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। सिंपल सी है, कुछ नहीं करना, हमने क्या किया है, बेसिक सा है, हमने पहले इसका स्क्वायर कर लिया, फिर हम इसको मॉडुलस को किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हमने इस तरीके से लिख लिया, फिर फॉर्मूला खोल लिया, फिर हम एक्स वाई को हम मॉडुलस में ग्रेटर देन का साइन लगा के लिखते हैं, फिर हमने ये अलग अलग खोल कर लिख लिया, और फिर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई का होल स्क्वायर, और फिर हमने स्क्वायर हटा दिया, ये हो गया हमारा मॉडुलस एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस मोड में एक्स माइनस मोड वाई का, फिर हमारा क्या है, पूरे पे मोड है, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले हम मॉड एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मॉड एक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, मॉड एक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पर वाई से वाई कटेगा तो वही आएगा, इस वाई से वाई, इस वाई को काट दें दो। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेंगल इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। उसमें क्या था, मॉड एक्स प्लस वाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन लगा के मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो एक्स की जगह है हमारा एक्स माइनस वाई, और ये हमारा हो गया प्लस मॉड वाई, ठीक है। हमने इस तरीके से लिख दिया, ये हमारी इनइक्वालिटी से आ गया बाई ट्रेंगल इनइक्वालिटी, और इस साइड हमारा ये चल रहा है मॉड एक्स। अब हम वाई को इस साइड ले आते हैं, मॉड एक्स माइनस मोड वाई, ये हो गया हमारा लेस देन एंड इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड वाई, आप यहाँ पर लिख देना भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हम जैसे अब हमने क्या लिखा है, मोड एक्स का लिखा है, अब सेम हम मोड वाई के लिए भी लिखते हैं। मोड वाई के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मोड वाई इक्वल, मोड वाई को किस तरीके से लिख सकते हैं, वाई मोड वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, अब वही यहाँ पर भी हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स और यहाँ पर मोड एक्स, ठीक है। ये मोड वाई के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोड वाई, इस साइड एक्स ले आएंगे माइनस मोड एक्स, और ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब मोड वाई माइनस एक्स और मोड एक्स माइनस वाई दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है, माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मोड एक्स माइनस मोड वाई, और इस साइड तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा मोड एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये वाली आपकी जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर आपकी दोनों इक्वल हैं, इस साइड मोड एक्स माइनस वाई मोड एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाल लेंगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, जो मोड एक्स माइनस वाई की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन है किसके, अब जो हमारी फर्स्ट और सेकंड में जो दोनों इक्वेशन बनी है उन दोनों को लिखते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम होगी उसको लिखेंगे। तो मैक्सिमम हमारी एक वैल्यू आई है मोड में एक्स माइनस मोड वाई, और एक वैल्यू है हमारी माइनस का मोड एक्स माइनस मोड वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू में ही, मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम एक्स कॉमा माइनस एक्स
को हम क्या लिख लेते हैं, हमारी किसके इक्वल होती है वैल्यू, मॉड x के इक्वल होती है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये आपका पूरा x हो गया, ये माइनस x हो गया, तो x माइनस x मैक्सिमम किस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड x के फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको जब मॉड x, यहाँ पर मॉड x क्या है, पूरा है, ये हमारी x की वैल्यू है, तो मॉड लगाएंगे और x की वैल्यू हमारी क्या है, मॉड में x माइनस मॉड में y और पूरे का मॉड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रूव करके लाना था, यहाँ पर आपका ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एल यू बी एंड जी एल बी ऑफ द सेट एस इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन थ्री एन प्लस वन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एल यू बी एंड जी एल बी का यहाँ पर हमारा मतलब क्या है, एल यू बी में से होता है लीस्ट अपर बाउंड, एंड जी एल बी क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये सब मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ा रखा है, इन्फीमम सुप्रीमम एल यू बी जी एल बी बाउंडेड एवर बिलो, सब कुछ पूरा डिटेल्ड में पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी रियल एनालिसिस के नाम पर, तो पूरी आपको अच्छे से समझा रखी है। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो चेक कर लेना आप वहां से। तो ये देखिए हम इसका एल यू बी एंड जी एल बी कैसे निकालते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इनमें मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही सेम उठ के एग्जाम में आ जाएंगे, आप इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसका कैसे निकालेंगे। अब सेट देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, पहले तो इसको लिख लेते हैं 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, n की वैल्यू को जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1, हमारा कितना हो जाएगा 4। अब 2 पुट करते हैं n की वैल्यू तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, और 2 नीचे पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। अब क्या पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे क्योंकि n क्या है हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 इसी तरीके से पुट करते चलेंगे। अब जब 3 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, और 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अब जब n की वैल्यू हम इन्फिनिटी के अप्रोक्सीमेट लेते जाएंगे, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी होता जाएगा हमारा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आगे बढ़ता जाएगा। तो जब हमने मान लीजिए n की वैल्यू बहुत आगे ले गए, हम इन्फिनिटी के पास ले गए, बहुत ज़्यादा ही आगे ले गए, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, हम n कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, यहाँ बचेगा 2 प्लस 1 बाई एन, और n नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारा 3 प्लस 1 बाई एन, ठीक है। n से n काट देते हैं और हम क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो 1 अपन इन्फिनिटी हमारा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 बाई 3। इस तरीके से आगे जाने पर जब n टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी, तो इस पूरे जो आपका ये सेट है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाई 3। इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर 2 बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें निकालना है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड कौन कौन से होते हैं हमारे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, अपर बाउंड की, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का जब हम 3 में डिवाइड देते हैं तो हमारा कितना जाएगा, पॉइंट लगा के 0, यहाँ पर 7 28 2 0.75, और जब आप 3 का 2 में देते हैं, अब इसी तरीके से आप इसका भी देके देखना, तो यहाँ पर ये डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, और 3 का 2 में देंगे तो हमारा कितना आता है, आपका आता है 18.66 करके, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी किसकी है, 3 बाई 4 की, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी आपकी इसमें, 2 बाई 3 की। तो जब ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये हमारा अपर बाउंड है, इससे बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस सेट के लिए क्या होंगी, अपर बाउंड होंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जो हमारा अपर बाउंड का सेट है उसमें सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 बाई 4,
ठीक है। तो ये हमारा अपर बाउंड है, इस पूरे सेट में सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है 3/4 की। तो एल यू बी की बात करें तो हमारा कितना निकल कर आएगा 3/4। और अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें, सबसे छोटी वैल्यू इसमें किसकी है, लोअर बाउंड हमारा क्या है 2/3। और जो हम लोअर बाउंड का सेट बनाएंगे उसमें हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी 2/3। तो जी एल बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं हम इसे। आगे देखिए, आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रूफ बलजानो वेरिस्टास थ्योरम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका जो प्रूफ है मैंने आपको करा रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है रियल एनालिसिस के नाम पर, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नहीं कराऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वहाँ पर करा रखी है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट 2n मोड में 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस 2 इज लेस देन 1/5 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो यहाँ पर ये जो हमारी m है, हमें इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर देखिए m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कहाँ से होगा, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग होगा। और हमारा साइलन की वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है, साइलन हमने कितना ले रखा है 1/5। तो 1/5 साइलन के लिए हम m की वैल्यू कितनी लेंगे, तो m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, अब हमारे पास ये क्या दे रखा है 2n/(n+3-2) दे रखा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2n/(n+3-2) इज लेस देन 1/5। अब इसको करेंगे हम एलसीएम लेंगे, हो जाएगा हमारा n+3, यहाँ हो जाएगा 2n-2n, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6, और ये लेस देन 1/5, ठीक है। अब 2n से 2n कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/(n+3). तो ये -6 हमारा क्या है, -6/(n+3) हमारा मोड में है, तो मोड से बाहर निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन लेके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/(n+3) इज लेस देन 1/5। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो n की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए हम इसको इन्वर्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा n+3/6। अब जब इन्वर्स करेंगे तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब n+3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आगे इस तरीके से निकालेंगे तो n+3 यहाँ पर n+3 ग्रेटर देन ये हो जाएगा हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पर देखिए इन्वर्स किया था तो ये 1/5 ही लिखे रहने दिया, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 30, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 27, n इज़ ग्रेटर देन 27, इक्वल नहीं, n इज़ ग्रेटर देन 27, यानी कि n की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 27 से बड़ी है। तो हमें n की वैल्यू तो मिल गई, अब हम m निकालते हैं, तो m हमारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो लिखते हैं इफ़ वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m, अब यहाँ पर n की जगह m लिख दिया, m इज़ ग्रेटर देन 27, तो m की वैल्यू कितनी होगी हमारी, m की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या कह रही है, 27 से बड़ी होनी चाहिए। तो 27 से बड़ी हमारी क्या है, 28 है, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 28। देखिए लिखते हैं तो 2n/(n+3-2) इज़ लेस देन 1/5 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। यहाँ पर साइलन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/5 है, तो फॉर साइलन 1/5 के लिए आपके पास जो वैल्यू होगी m की वो कितनी हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि 27 से बड़ी आपकी पहली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है, 28 आती है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m कितनी हो जाएगी आपके पास, 28। तो ये आपका आ गया, m की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 28। और इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि हमें m मिल गया है, तो 2n/(n+3) की जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 2, क्योंकि हमारे अगर हमें m मिल जाता है किसी साइलेंट के लिए इस तरीके से, तो जो हमारे मोड के अंदर लिखा रहता है माइनस में, वो उसकी क्या होती है, लिमिट 2n/(n+3) इक्वल कितना हो गया आपका, 2, ठीक है। नहीं तो आप इसे यहाँ तक भी
छोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मोनोटोन कन्वर्स थ्योरम इसे बोलते हैं। तो ये वाली थ्योरम भी मैंने आपको प्रूव करा दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट है आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है प्रूफ कॉचीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये वाली भी मैंने आपको करा रखी हैं और इसके बेस्ड दो तीन एग्जांपल्स हैं, आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। कॉचीज फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के ऊपर ये भी मैंने आपको करा रखी है, काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर भी, तो इसको भी आप चेकआउट करें और अच्छे से समझें, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस द सीरीज़। हमारी मैंने इसको देखिए दो पार्ट, दो क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें। एक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समेशन एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारा कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री स्क्वायर स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारा MN टेस्ट है उस पर है, वेरिस्ट्रास एम टेस्ट वो हमारा कहता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, तो ये देखिए ये हमारा वेरिस्ट्रास एम टेस्ट है। क्या बोलता है ये थ्योरम, क्या है इसकी, इस सीरीज़ हमारी क्या है, समेशन एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी यू एन एक्स है ऑफ फंक्शंस विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आई इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सीरीज़। इस सीरीज़ हमारी कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी एम एन ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स सच डेट मोड यू एन एक्स हमारा क्या है, लेस देन एंड इक्वल है एम एन फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अब इसका मतलब समझिए, क्या कह रही है ये हमारी थ्योरम, कि हमारी कोई सीरीज़ है एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी यू एन एक्स की फंक्शंस की, वो हमारी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कब होगी, अगर आप वहाँ पर एक और सीरीज़ एग्जिस्ट दिखा देते हैं क्या है एम एन, वो क्या होनी चाहिए हमारी कन्वर्जेंट, एक इससे बड़ी कन्वर्जेंट सीरीज दिखा देते हैं किस तरीके से। देखिए यू एन एक्स इज लेस देन किसके हैं, ये एम एन के। अगर ये जो हमारी एम एन सीरीज आई है, अगर ये हमारी कन्वर्जेंट है, ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट निकल रही है, तो हम बोलेंगे जो हमारी यू एन एक्स है फंक्शंस की सीरीज, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली हो जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक दो क्वेश्चन यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हमें एम एन की वैल्यू चाहिए। एम एन क्या होता है, हम एम एन कैसे निकालते हैं, एम एन हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू एन के। तो जैसे हमने 11 ट्वेल्थ में मैक्सिमम निकाली थी, मैक्सिमम वैल्यू आपने डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल रख के, तो उसी टाइप से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका ये है यू एन एक्स के इक्वल मान लेते हैं हम, ये आपकी सीरीज दे रखी है, पहले सीरीज लिखती हूँ मैं आपकी एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या है आपकी सीरीज यू एन एक्स। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया है यहाँ पे यू एन एक्स, यू एन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जो हम निकालते हैं एम कैसे निकालेंगे, एम एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू एन एक्स, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, देखिए वही डेरिवेटिव करके, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, डी यू एन एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ही हो जाएगा एन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस एक्स को सेम रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू, ये हमारा हो जाएगा एन प्लस एक्स स्क्वायर, और एन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर टू एक्स अपॉन में, ये हमारा हो जाएगा एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल फोर। ठीक है, अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और
मिनिमम वैल्यू किसके लिए, यू एन एक्स की मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो डी यू एन एक्स अपॉन डी एक्स है इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब ज़ीरो को इक्वल इसको पुट करेंगे हम तो क्या होगा, हम डी यू एन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल ज़ीरो पुट करते हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये तो हमारा पूरा ज़ीरो में चला जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा अब आपके पास। तो अब क्या करते हैं इसमें से n प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो n प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा n प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। तो ये वाला जो n प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम कहाँ भेज देते हैं, ज़ीरो की तरफ भेज देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर n प्लस, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो n माइनस 3x स्क्वायर इक्वल ज़ीरो हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर इक्वल n बाई 3 और x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस रूट n बाई 3। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट होता है, अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पर हमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है उस पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही हमारी वैल्यू मैक्सिमम आती है, आप निकाल कर देख लेना, मैं आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, आप एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एट एक्स इक्वल रूट एन बाई 3 डी यू डबल डेरिवेटिव ऑफ हमारा यू एन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमारी जो एम एन हो जाएगी, एम एन क्या होगा हमारा, एम एन होता है मैक्सिमम ऑफ यू एन एक्स। तो यू एन एक्स का मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिलेगा हमें, एक्स की जगह रूट एन बाई 3 रखने पर। तो मैक्सिमम हमारी जो यू एन एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारी x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रही है हमें, रूट एन बाई 3 रखने पर। तो रूट एन बाई 3 रखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट एन बाई 3 अपॉन n प्लस, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो n बाई 3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 1/4 4 एन बाई 3 का होल स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, नीचे ही लिखती हूँ, रूट एन बाई 3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 16 n स्क्वायर। अब कट करते हैं हम, तो यहाँ पर जब रूट 3 को 9 से कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऊपर बचेगा 3 root 3 और नीचे जब हम रूट 10 को कट करेंगे तो नीचे बचेगा 16 n की पावर 3/2, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो अब हम देखते हैं ये वाली जो हमारी एम एन है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो यू एन एक्स हमारी किससे इस छोटी और इक्वल होगी, 3 root 3 अपॉन 16 n 3/2, और हम इसको अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ये हमारी इससे भी छोटी होगी n 3/2। तो अब आप इसको चेक कर लीजिए 1 अपॉन n 3/2 आपकी कन्वर्जेंट है या नहीं। तो आपने एक टेस्ट पढ़ा होगा पी सीरीज टेस्ट, ये वाली सीरीज़ कैसी हो जाएगी आपकी, पी सीरीज़ टेस्ट से पी की वैल्यू आपकी एन की पावर पी होता है 1 अपॉन n p पी सीरीज टेस्ट में, और पी की वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी होती है तो हमारा जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है आपकी, कन्वर्जेंट होती है। तो पी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3/2 है यानी कि 1.5, ये हमारी किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी सीरीज़ है 1 अपॉन n की पावर 3/2 ये हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। तो सीरीज हमारी जो एम एन है वो क्या है, इस कन्वर्जेंट। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो बाई पी सीरीज टेस्ट, सो नीचे लिख दीजिए हैंस बाई वेरिस्ट्रास एम टेस्ट आपका वेरिस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपकी वैल्यू एम एन कन्वर्जेंट आ जाता है
तो ये जो आपकी यू एन एक्स है वो क्या होती है आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो एम टेस्ट यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है तो आप लिख लेना यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन। तो ये किस तरीके से हो जाएगा हमारा, इसका जो लास्ट टर्म बचेगा यू एन एक्स जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा एम टेस्ट से ही होगा, वेरिस्टास एम टेस्ट से। तो कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा हमारा यू एन एक्स। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें एक एम एन सीरीज चाहिए, वो भी आपकी कन्वर्जेंट आएगी तब आप इसको कन्वर्जेंट बोल सकते हो। तो ये देखिए इसका जो मोड है वो किससे छोटा है, पहले ये देखिए, इसको तो मैं लिख देती हूँ यू एन एक्स। अब हमें पता है जो कॉस एन एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी लेस देन एंड इक्वल होती है किसके, वन के, मोड कॉस एन एक्स की वैल्यू, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एन स्क्वायर चाहिए, तो आप एन स्क्वायर कर दीजिए अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज मिल गई, ये हमारी वन अपॉन एन स्क्वायर से छोटी है। अब आप चेक कर लीजिए वन अपॉन एन स्क्वायर आपका कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। अगर आपका ये वन अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट हुआ तो हम बोलेंगे कॉस एन एक्स अपॉन, ये आपकी जो पूरी सीरीज है ये वाली, ये आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। अगर आपकी ये कन्वर्जेंट नहीं हुई तब आप बोलेंगे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो वही जो अभी मैंने आपको बताया पी सीरीज टेस्ट से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो पी की वैल्यू है वो क्या है, टू है, जो हमारी वन से बड़ी है। तो वन से अगर बड़ी होती है पी की वैल्यू तब हम क्या बोलते हैं कि हमारी गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर ये हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये हमारे क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो लिख देते हैं, वी नो डेट लिख देना आप, द सीरीज, सीरीज आपकी सीरीज समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। फ्रॉम लिख देंगे हेंस बाई वेरिस्टास एम टेस्ट, एम टेस्ट द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ तक आपके 7 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाती रहूं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।